हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटोनिम्स वर्ड, जो कि आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ले रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला हमारा है लवली, इसका मतलब होता है सुंदर। इसके जो अपोजिट होते हैं वो है अगली, ड्रैब और ओफुल। ये तीनों इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। लवली के तीनों एंटोनिम्स हैं। सेकंड है हमारा डॉट। डॉट का मतलब होता है फ्रेंड सूखा। जैसे कभी कभी बातों में हम यूज करते हैं कि सूखा पड़ गया, तो इसी को हम डॉट कहते हैं। इसका जो अपोजिट होगा वो है फ्लैड। फ्लैड क्या होता है? यानी बाढ़ आ जाना। जी, हम जैसे कहते हैं ना बाढ़ आ गया, बाढ़ को क्या कहते हैं? फ्लैड कहते हैं। और फिर मॉइस्चराइजर मतलब जहाँ नमी है। रिफ्रेशमेंट, डीओ। डीओ का मतलब होता है ओस की बूंदे। ओस की बूंदे जो होती है उसी को हम इंग्लिश में डीओ कहते हैं। तो ये इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एबिलिटी। हिंदी में इसका मतलब होता है योग्यता। योग्यता को हम इंग्लिश में एबिलिटी कहते हैं और एबिलिटी का मतलब हिंदी में योग्यता होता है। इसका एंटोनिम है इन एबिलिटी, इन कैपेसिटी, इन एडोकेसी या फिर इन एंटी। अब देखिए, एंटी, कैपेसिटी या एबिलिटी, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एथियस्ट, यानी नास्तिक। नास्तिक उसे कहते हैं जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसे हम नास्तिक कहते हैं। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है बिलीवर, थियस्ट। तो बिलीवर और थियस्ट का मतलब होता है यानी जो भगवान में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? बिलीवर और थियस्ट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मस्टिकेट। मस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, यानी जब आप खाने को चबा चबा के यानी स्वे करके खाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मस्टिकेट कहते हैं। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो है गोबल, गजल और गल्प। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को निगल लें, यानी कि डायरेक्ट आप निगल लो, चबाए नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं? गबल और गोबल, गबल गजल और गल्प भी कह हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीवल्स, जिसका मतलब होता है तुच्छ, छोटी। इसका पोजिट है सीरियस, इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल, सेंसिबल। ये चारों के चारों इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकुलर, पार्टिकुलरी। पार्टिकुलरी का जो मतलब होता है वो होता है विशेष। जैसे स्पेशली किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं, इसका एंटोनिम्स होगा जनरली, यूजली, कॉमनली, नॉर्मली। ये जनरल थिंग है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ओके, तो ये चारों के चारों इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, मतलब इसके अपोजिट हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा इमेटर। इमेटर का मतलब होता है शौकीन। व्यक्ति जो किसी काम को शौक के लिए कर रहा है उसको भी हम क्या कहते हैं? इमेटर ही बोला जाता है। किसी चीज़ का शौकीन है तो उसे भी बोल देते हैं। तो इसका जो अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल या एक्सपर्ट बोलते हैं। तो इमेटर का जो एंटोनिम्स होगा वो प्रोफेशनल या एक्सपर्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ है हमारा सेक्रेड। सेक्रेड यानी पवित्र। इसका अपोजिट है कर्ज को क्या कहते हैं? कर्ज है, कर्ज को क्या बोलते हैं हम? श्राप कहते हैं। क्या कहते हैं? श्राप कहते हैं। अनहोली है, अपवित्र है। तो अनहोली को हम क्या कहते हैं? अपवित्र कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेक्रेड को पवित्र बोले हैं तो अनहोली को अपवित्र बोलेंगे। साइनोनिम में इसको हम होली भी कहते हैं। नेक्स्ट टेंथ है हमारा सोबर। सोबर का मतलब होता है संयम, गंभीर। जैसे कुछ लोग गंभीर नहीं होते हैं, संयम और गंभीर होते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो है ड्रंक या फिर एक्साइटेड, यानी एजिटेटेड या इरेशनल। इसका मतलब आपके अंदर संयम नहीं है। इस चारों के मतलब क्या होते हैं? ड्रंक, एक्साइटेड या एजिटेटेड या इरेशनल। इसका मतलब आपके अंदर संयम नहीं है। तो ये चारों इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, यानी छूट। डिस्काउंट को हम हिंदी में छूट कहते हैं। इसका अपोजिट है इनकरेज या राइज या एडिशन या प्रीमियम।
इन सब में आप चीज़ों को बढ़ा के देते हो। यानी हम कहते हैं ना कि प्राइस बढ़ गया है, किसी भी सामान को जब हम परचेज करने जाते हैं तो उसका जब प्राइस जो है बढ़ जाता है तो हम कैसे कहते हैं कि पहले इतना का था अब इसका प्राइस बढ़ गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो सारे के सारे क्या हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, यानी बेकार सी बातें। इसका एंटोनिम्स होगा रेशनल, लॉजिकल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल। ये चारों के चारों इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पैथिक। इसका मतलब होता है निराश या करुणाजनक, यानी बहुत दुख की बात हो, जैसे कॉमी इसका जो क्या होता है, बहुत दुख की बात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, पैथिस्ट कहते हैं। तो इसका जो होता है वंडरफुल होता है, चीयरफुल होता है, कॉमिकल होता है, जॉयफुल होता है। ओके, तो कॉमिकल का मतलब होता है कॉमेडी करने वाला, मतलब हंसी हंसी मजाक करने वाले को हम क्या कहते हैं, कॉमेडियल कहते हैं, कॉमेडी करने वाले को। नेक्स्ट है हमारा एग्जर्बेट। इसका मतलब होता है तीव्र, तेज, चिढ़ाना। जैसे आपको किसी की मदद करना है और आप उसको चिढ़ा रहे हो, जैसे आपको किसी की मदद करना है और आप उसको चिढ़ा रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेल्प, एड, काम, रेड्यूज, डिस्क्रीज। इसके क्या है, तो इसके एंटोनिम्स हैं। हेल्प भी है, एड, काम, रेड्यूज, डिस्क्रीज, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरिट। मेरिट का मतलब होता है असंख्य, जिसको आप गिन ना सको, जो असंख्य संख्याओं में हैं, जिसको हम कभी काउंट नहीं कर पाए। इसका एंटोनिम्स हैं फ्यू, लिमिटेड, काउंटेबल, मेजर लेवल या बाउंडेड। बाउंडेड ये इसके चारों क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो ये थे 15 एंटोनिम्स, और हाँ एक का चार बताई हूँ, इससे आपकी क्या होगी, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।